Hello guys, welcome to my YouTube channel Ship Sailor Sayyed. In today's video, I'm going to tell you about the garbage management on board ships. What do we do with the garbage that is generated on board and how do we segregate it and how do we store it? So, first of all, what is garbage? Garbage hota kya hai? Garbage is any form of plastics, operational waste, domestic waste, which is generated from your normal operations of the ship. That is called garbage. जो आपके घर पे गार्बेज होता है वो ही जहाज पे होता है. बट घर पे तो हम सारा गार्बेज एक ही बिन में डालते हैं. यस, घर पे आप सारा गार्बेज एक ही बिन में डालते हैं. बट ऑन ships, यू हैव टू पुट द गार्बेज इन द बिन्स एज पर देयर कैटेगरीज. जैसा कि आप देख सकते हैं, एवरी कैटेगरी ऑफ द गार्बेज हैज अ कलर कोडिंग ऑन इट. जैसे प्लास्टिक is signal red, food waste is blue, oily rags is black. So जो भी plastic होगी वो आप signal red में डालेंगे, जो भी food waste होगा वो आप blue में डालेंगे, अगर कोई oily rags होगा वो आप black में डालेंगे. Whenever you go on board ships, you need to see the color coding and the garbage segregation procedure of your company. As you see, there are dedicated bins of every type of garbage on board ships. इन बिन्स के ऊपर एक मार्किंग्स भी होती है, प्लास्टिक्स, ऑयली रैग्स, फूड वेस्ट, ऑपरेशनल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि कौन सा गार्बेज किस में डालना है. इन केस किसी बंदे को कलर कोडिंग नहीं पता होती, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे फर्स्ट टाइमर्स ऑन बोर्ड होते हैं उन्हें इतना समझने में टाइम लग जाता है. सो दे हैव मार्किंग्स रिटन ऑन इट, दिस इज प्लास्टिक, दिस इज फूड वेस्ट, दिस इज ऑपरेशनल वेस्ट, दिस इज ऑयली रैग्स. जब वो बिन्स भर जाते हैं तो क्या करते हैं? यस, जब वो बिन्स भर जाते हैं तो हम सारे गार्बेज को गार्बेज बैग में स्टोर कर देते हैं और जिस कैटेगरी का गार्बेज होता है उसको उसी के बिन के पास रख देते हैं. फिर उस गार्बेज का हम क्या करते हैं? हम उस गार्बेज का ये करते हैं, जब भी हम नेक्स्ट पोर्ट पे पहुँचते हैं तो हम किसी शोर रिसेप्शन फैसिलिटीज को वो गार्बेज डिस्चार्ज कर देते हैं. उस गार्बेज को जो हम डिस्चार्ज करते हैं वो शोर से हमें एक गार्बेज रिसिप्ट मिलती है. हम उस रिसिप्ट को सेफली जहाज पे फाइल कर देते हैं और जितना भी गार्बेज हमने डिस्चार्ज किया है हमें मेंशन करना होता है इस गार्बेज रिकॉर्ड बुक में. गार्बेज रिकॉर्ड बुक में हमने कौन सी डेट को वो गार्बेज दिया, कौन सी जगह वो गार्बेज दिया, किस टाइप का गार्बेज था और कितना वो गार्बेज दिया, ये सब हमें इसमें एंट्री करना पड़ता है. और उसके बाद उसको एक डेडिकेटेड ऑफिसर, जो भी जहाज पे गार्बेज मैनेजमेंट ऑफिसर होता है, वो साइन करता है. बट क्या हम उस गार्बेज को पानी में नहीं फेंक सकते? नो, यू कैन नॉट थ्रो दैट गार्बेज ओवर बोर्ड. व्हाई? बिकॉज अगर आप उस गार्बेज को पानी में फेंक दोगे, कैन यू सी, इट हार्म्स योर सीज, इट हार्म्स योर एक्वेटिक सिस्टम्स, एवरीथिंग. हम समुंदर को गंदा नहीं कर सकते, जिस तरीके से आप अपने घर को गंदा नहीं कर सकते उसी तरीके से हम समुंदर को भी गंदा नहीं कर सकते. अब ये सब कौन बोलता है? ये बोलता है मारपोल एनेक्स 5, रेगुलेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ गार्बेज ऑन बोर्ड शिप्स. मारपोल एनेक्स 5 क्या बोलता है? मारपोल एनेक्स 5 ये बोलता है कि आप किसी भी फॉर्म का गार्बेज पानी में नहीं फेंक सकते एक्सेप्ट फूड वेस्ट. तो फूड वेस्ट हम कहीं पे भी फेंक सकते हैं? नो, यू कैन नॉट थ्रो फूड वेस्ट एवरीवेयर. एज यू कैन सी इन दिस प्ले कार्ड, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू इट. बट इसमें आप क्रू को कैसे ट्रेन करते हो? इसमें हम क्रू को ऐसे ट्रेन करते हैं दैट ऑन बोर्ड शिप्स वी हैव दीज डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले कार्ड्स अवेलेबल ऑन बोर्ड शिप्स प्लेस्ड एवरीवेयर. ऑल्सो एवरी मंथ वी आर कैरिंग आउट अ गार्बेज मैनेजमेंट मीटिंग ऑन बोर्ड शिप्स, जिसमें हम क्रू को गार्बेज सेग्रीगेशन के बारे में, गार्बेज स्टोरेज के बारे में ट्रेनिंग देते हैं. सो व्हेनेवर यू गो ऑन बोर्ड शिप्स यू सी द कलर कोडिंग एंड पुट द गार्बेज अकॉर्डिंगली. गार्बेज को कलर कोडिंग के हिसाब से ही सेग्रीगेट करें. इट विल टेक टाइम. जैसे आप फर्स्ट टाइम जाते हैं जहाज पे, आपको कुछ नहीं पता होता, बट जब आप जाएंगे थोड़ा नॉलेज गेन करेंगे. बट एवरीथिंग, एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा, आप अपनी आँख और कान खुले रखें, क्योंकि आपको अगर पता नहीं हो सा तो आप पढ़ तो सकते हैं ना. आइए मैं आपको दिखाता हूं अपने शिप का गार्बेज स्टोरिंग एरिया. सो गाइस,
गार्बेज एरिया ऑफ माई शिप। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा गार्बेज सेग्रीगेटेड है एज पर द टाइप। प्लास्टिक इज गेटिंग सेग्रीगेटेड इन प्लास्टिक, पेपर इज केप्ट नियर पेपर, ऑयल रैग्स एज पर देयर कलर कोडिंग, प्लास्टिक एज पर देयर कलर कोडिंग, दिस इज पेपर एज पर द कलर कोडिंग ऑफ माई कंपनी रिक्वायरमेंट। फूड वेस्ट एज पर फूड वेस्ट कलर कोडिंग रिक्वायरमेंट। By now, you must have understood the segregating procedure of garbage on board ship. So next time, when you go on board, please segregate your garbage as per your company requirement, as per the garbage requirement.